partners, they started the business of smuggling of goods. Will it be a partnership? No. Partnership के लिए business का legal होना बहुत जरूरी है. So in that case, you have to answer accordingly. Legality of the business is very much essential, right? Then we have few features of partnership जिसके ऊपर question बनते हैं. Two or more persons. एक question मेरे mind में आता है. Seven friends. They just started an NGO, right? Will they be included in partnership? No. क्योंकि partnership के लिए profit making होना जरूरी है. NGO तो social service के लिए है, तो उस case में भी partnership नहीं होगी. For example, three or four doctors, they just opened a charitable dispensary. For that, they just visit in the evening. अपने free time में वहाँ पे वो visit करते हैं और free में patients का diagnose करते हैं और medicine भी provide करते हैं. Again, it is a charitable dispensary. Hereby the profit making concept is missing. So in that case, the partnership can't be there. So he can mold the question in any way you have to answer. Legality of the business is one point and second is profit making. Yes, you want to ask? Minor ka status bhi dekhte hain. Two or more persons. Minor can be the partner, right? But he will be only eligible to get the profit. He will not be participating in the decision making. And he is not like going to suffer the loss. ठीक है, उसको सिर्फ बेनिफिट्स के लिए हम लोग एंट्री करवाते हैं, लॉस भी वो सफर नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जो अडल्ट से उन्होंने डिसीजन लिया जिसके कारण क्या हुआ लॉस, उसने तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं किया. सो ही इज गोइंग टू गेट ओनली बेनिफिट्स. एक पॉइंट जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है जो इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज कंपनी एक्ट 2013. बात कर रहे हैं हम पार्टनरशिप की और कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडमेंट हुई थी मेजर, और वहां पे उसने हमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स बताया. 2013 कंपनीज एक्ट और सेक्शन भी याद रखो, सेक्शन 464 आसानी से याद हो जाता है, 464. ठीक है, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100. ध्यान से इस लाइन का मतलब समझना. इस एक्ट के इस सेक्शन में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पार दी गई है कि वो कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म को 100 मेंबर्स रखने की परमिशन दे सकती है. इस लाइन का पहले ये मतलब है, बट एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पार्टनरशिप फर्म्स को बोला है कि आपके मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. इट कैन एक्सीड इट टू 100, बट एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पार्टनरशिप फर्म्स को कितने मेंबर्स रखने को बोला है? 50. ये इसके पास पार अमीसेस ने अपनी पूरी पार को यूज नहीं ना किया. मैक्सिमम 100 ये करवा सकती है किसी भी फर्म के किसी भी टाइम पे, लेकिन एट प्रेजेंट इसने सारी फर्म्स के लिए रूल क्या बनाया कि 50 से ज्यादा नहीं होंगे. आई एम रिपीटिंग द लाइन. कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50. अवॉइड रूल, उसने कौन सा रूल फ्रेम किया इसके बारे में? 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2013 में एक्ट क्या हुआ? प्रिस्क्राइब हुआ. 14 में एक रूल इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिस रूल के अकॉर्डिंग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 50 मेंबर्स रखे हैं. सो एट प्रेजेंट आफ्टरवर्ड्स आई एम टेकिंग क्लास. ओके डन. Yes, what I was discussing, that is rule 10. The government has followed rule 10, whereby government is just prescribing maximum number of members in a partnership firm, that is 50. If the question comes, can the number of members exceed 50? Your answer will be no. At present, what is the maximum number of members a firm can have? 50. ठीक है, ये वाले सिर्फ आपका theory के लिए है, लेकिन practically आजकल गवर्नमेंट रूल 10 को फॉलो करती है और 50 मेंबर्स ही होने चाहिए. एग्रीमेंट कैन इधर बी रिटन और ओरल. ठीक है, पार्टनरशिप डीड जिसे बोलते हैं, लॉफुल ऑफ बिजनेस ऑलरेडी डिस्कस्ड. एग्रीमेंट किस चीज का होगा? प्रॉफिट में शेयरिंग का. बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल. ये भी आपको बिजनेस स्टडीज में करवाया होता है. वन कैन बी द वर्किंग पार्टनर हु विल बी वर्किंग लाइक एन एजेंट फॉर अदर्स. ठीक है, एक वर्किंग पार्टनर हो सकता है और बाकी सारे क्या हो सकते हैं? स्लीपिंग हो सकते हैं या सारे ही वर्किंग हो सकते हैं. इट डिपेंड्स. ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट. उसके बाद बेटा 20 पॉइंट्स आपको बता रखे हैं रूल्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप दैट यू नीड टू रीड ऑन योर ओन, अदरवाइज मेरा सारा पीरियड इसी में चला जाएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ डीड.
वैसे पार्टनरशिप डीड का रिटर्न में होना जरूरी नहीं है, बट इफ यू मेक योर डीड इन रिटर्न दैट विल अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच मे अराइज अमंग द पार्टनर्स लेटर ऑन. और उन कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़ों को सुलझाने के लिए हम लोग डीड में सारे प्रोविजन लिखते हैं. सो बेटर टू हैव अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड, दो इट इज नॉट कंपल्सरी, राइट? इट इज नॉट असेंशियल बट इट डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड. इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट तो कौन से रूल अप्लाई होंगे? इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट देन वी विल बी फॉलोइंग इंडियन रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, छह रूल हैं, बोलो छह के छह रूल. वन, प्रोफिशिएंसी रेशियो विल बी इक्वल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म will be given at the rate of 6% per annum. Will you provide any rate of interest if firm gives loan to the partner? Will you provide any interest on that loan which the partner takes from the firm or firm provides to the partner? दो तरह के लोन हो सकते हैं भाई. एक पार्टनर ने फर्म को दिया तो 6% है, अगर फर्म से पार्टनर ने लिया तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, unless and until it is not being specified. तो आपको दोनों लोन्स के बारे में कंफ्यूजन दूर करनी है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. इज इट द लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म और वाइस वर्सा, फर्म मे आल्सो गिव द लोन टू द पार्टनर. सो दैट पॉइंट यू हैव टू कीप योर माइंड. टू टाइप्स ऑफ लोन ही मे कंफ्यूज यू. रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस इज टू बी गिवन टू द पार्टनर्स इफ इट इज नॉट मेंशन इन द डीड और द डीड हैज नॉट बीन मेड. यस, सिक्स्थ पॉइंट उसने एडमिशन के चैप्टर का बनाया. न्यू पार्टनर कांट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट. How a new partner can be admitted? With the consent of all the partners. जब तक सारे partners, पुराने partners की सहमति नहीं होती, तब तक नए partner की admission हम नहीं करवा सकते. अगला भी important है क्योंकि theory कहीं से भी वो पूछ सकता है. Liabilities of the partners. You tell what is the liabilities of the partner? हमने plus one की business studies की theory में करा है. Their partners' liabilities are unlimited. If the firm runs into losses, their personal assets can even be sued. मैं पंजाबी में हमेशा बोलती हूँ उनके घर के बर्तन तक बिक सकते हैं. अगर पार्टनरशिप घाटे में जाएगी तो वो अपने घर के ज्वेलरी, वाइफ की ज्वेलरी, अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के उनको भरपाई करनी पड़ेगी अपनी फर्म्स की लायबिलिटी के लिए. दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड इट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑल द पार्टनर्स हैव. उसने जो लिखा है देखो जरा. इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर फर्म के कॉम्पिटिशन में एक बिजनेस चलाता है, लाइक फर्म का बिजनेस है स्पोर्ट्स गुड्स का, तो पार्टनर ए ने भी अपनी स्पोर्ट्स शॉप खोल ली, स्पोर्ट्स गुड्स की शॉप खोल ली, तो कंपटीशन में हो गया बिजनेस. फिर क्या होगा? इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, और उस शॉप से उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म. तो उसकी लायबिलिटी है, जो भी प्रॉफिट उसने उस शॉप से कमाया है वो सारा फर्म को देना पड़ेगा. बिकॉज यू आर द ओनर, यू आर द एजेंट ऑफ द फर्म, हाउ कैन यू चीट द फर्म? तो ये रूल बना दिया गया. इसको किसी केस स्टडी में मोल्ड करके ही कनास, जैसे मैंने एग्जांपल दी, फर्म जैसा बिजनेस ही कोई पार्टनर अगर चला लेता है तो उस केस में उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट उसे होगा वो उसे फर्म को डिपॉजिट करवाना होगा. तो लायबिलिटी होगी ना, लायबिलिटी विद रिगार्ड टू डिपॉजिट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय यू इन अ बिजनेस व्हिच इज इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द फर्म, यू विल बी डिपॉजिटिंग बैक इट टू द फर्म. आगे देखो, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, फॉर एग्जाम्पल फर्म ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, पहले एग्जाम्पल सुनो, और उसने डबल स्टोरी बनवानी है. एक ऑफिस उसका ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर भी बनवाना है, वहां पे उसने मशीन वगैरह इंस्टॉल करनी है. तो अब पार्टनर ए को बोला कि तू रॉ मटेरियल लेके आ इसके लिए, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेदर प्रोडक्ट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग, तो लेदर और एज अ रॉ मटेरियल हम लोगों ने पार्टनर ए को बोला. पार्टनर ए ने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने ब्रदर इन लॉ को दे दिया. आप उस ब्रदर इन लॉ को बोला तू बिल डबल का बना दे, लेकिन मान लो सामान 1 लाख का है तो उसको बोला तू बिल 2 लाख का बना दे. He earned profit from this transaction. He cheated the firm, ना? You are getting me? ठीक है, तो उस चीटिंग की भरपाई भी उसे करनी पड़ेगी अगर फर्म को या बाकी पार्टनर्स को पता चल जाएगा. सो ही इज लायबल टू रिटर्न बैक द प्रॉफिट बीइंग अराइजन फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द फर्म. फर्म ने आप पे यकीन करके आपको इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया, आपने फर्म को ही धोखा दिया, और कल को अगर फर्म को पता चल गया कि आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया है ऐसी ट्रांजैक्शन से, देन यू नीड टू, यू आर लायबल टू रिटर्न बैक इट. आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा फर्म को. इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो क्या लिखा.
If a partner earns profit for himself from any transaction of the firm or from the use of firm's property, like firm का एक कोई हॉल खाली पड़ा हुआ था, रेंट में दे दिया, ठीक है, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज कर दिया, ठीक है, और रेंट अपनी पॉकेट में डाले जा रहा है, तो दैट रेंट ही हैज टू रिटर्न बैक टू द फर्म. यू आर यूजिंग फर्म्स रिसोर्सेज, यू आर अर्निंग प्रॉफिट, यू आर यूजिंग फर्म्स प्रॉपर्टी एज अ पार्टनर, यू आर अर्निंग प्रॉफिट, यू विल बी लायबल टू रिटर्न बैक इट टू द फर्म. एग्जाम्पल उसने जो लिखी है वो देखो. फॉर एग्जाम्पल अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड सोल्ड बाय हिम बाय द फर्म, द कमीशन सो अर्न्ड शैल बी पेड टू द फर्म. मैंने सामान को खरीदने की एग्जाम्पल दी, उसने सामान को बेचने की एग्जाम्पल दी, ठीक है, उसने सामान बिकवाया, जिस भी कस्टमर को सामान बिकवाया उसने कुछ परसेंटेज कमीशन उस पार्टनर को ही दे दी, ठीक है, कि तूने मेरे को सस्ते में सामान ले दिया है अपनी फर्म से, इसका 10% तू रख ले, ठीक है, बिकॉज आई सेव्ड द मनी. सो इन दैट केस द पार्टनर इज अर्निंग कमीशन ड्यू टू हिज एंगेजमेंट विद द फर्म, सो ही विल बी रिटर्निंग बैक दैट कमीशन टू द फर्म. सो दिस इज व्हाट लायबिलिटी ऑफ द फर्म. वैसे लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है. माइनर वाला आ गया जी पॉइंट. Some other important provisions of Indian Partnership Act 1932. If all the partners agree, a minor can be admitted. Underline karo for the benefit of partnership. ठीक है? He will not be suffering any type of loss. He will just be getting the benefits. A person may be admitted as a partner either with the consent of all partners or in accordance with an agreement among the partners. या तो सबकी सहमति हो या डीड में जैसे लिखा है. डीड में लिखा है majority of partners agree करेंगे तो हम तो भी admission करवा लेंगे. डीड में लिखा है मेरे पार्टनरशिप फॉर्म के चार पार्टनर हैं, कोई तीन एग्री कर लेंगे तो हम उसकी एडमिशन करवा लेंगे. ईदर द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और एज पर द एग्रीमेंट मेड बाय देम. अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ईदर, अगर एडमिशन सबकी सहमति से होनी है तो रिटायरमेंट भी सबकी सहमति से होनी है. यहाँ डीड में जैसा लिखा होगा वैसे करके रिटायरमेंट हो जाएगी. इज इट असेंशियल टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट 1932? No. Registration of a firm under Partnership Act 1932 is optional, not compulsory. Similarly, making of partnership deed is an optional, not compulsory. जैसे deed बनाना आपके लिए optional है, compulsory नहीं है, उसी तरह से अपनी firm को registered करवाना. But once you get yourself registered, you get an authenticity. You are being treated as an artificial person in the eyes of law. You get a good reputation, you get a good name. किसी भी firm के साथ अगर R word लगा है, तो हमें लगता है registered है. Means कल को ये किसी को धोखा नहीं देगी. एंड वंस यू आर बीइंग रजिस्टर्ड यू आर एबल टू सू एंड बी सूड. आपके साथ अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं. जो आपके साथ डीलिंग करते हैं अगर आप उनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो भी आपको सू कर सकते हैं. सो दिस इज अ बेनिफिट इफ यू गेट यूर सेल्फ रजिस्टर्ड. अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द डीड, अ फर्म डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ का चैप्टर हम लोगों ने किया नहीं. कहता ये भी प्रोविजन है, जब किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट चाहे नेचुरल डेथ, फर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है. लेकिन अगर बाकी के पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे फर्म को, तो फर्म कैन बी कंटिन्यूड. बट फॉर एग्जाम्पल देर आर ओनली टू पार्टनर्स, वन डाइड इन एन एक्सीडेंट, पार्टनरशिप फर्म विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड, क्योंकि एक अकेला बंदा तो पार्टनरशिप चला ही नहीं ना सकता. Had there been three partners, एक की accidental death हो गई, तो वो दो decide कर सकते हैं firm को continue करने के बारे में, right? And usually they decide to continue. लेकिन hang दो partner और एक की death होगी, sole proprietor हो गया ना उस केस में तो. So in that case he will not be running the business. You have certain questions of practice, example number 1, 2, 3, 4 that you can read. Yes. उसके बाद एक concept है, वो भी आपको आता ही होगा. Charge against profits and appropriations out of profit. So I call this topic charge versus appropriations. Who will tell me the difference between this? What is the difference between charge versus appropriation? Meanwhile, I should discuss with you because you all have the confusion ki ratio analysis ka kitna aana hai. Sirf profitability 5 ratios nahi aani, baaki sari ratios aani. So I must repeat the name of the ratios. First is लिक्विडिटी रेशियो, जिसके दो सब पार्ट्स हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. देन वी हैव सॉल्वेंसी रेशियो, जिसकी चार कैटेगरीज हैं. वन इज बोलो डेट इक्विटी रेशियो, देन वी हैव प्रोप्राइटरी रेशियो, देन टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, एंड द फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. देन वी हैव फाइव एक्टिविटी रेशियो, व्हिच वी कॉल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी रेशियो, जिसमें पहला नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देन वी हैव बोलो अगला ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और मेरे को पांच नहीं है चार ही है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी में से कुछ भी नहीं आना. सो ऑल द फर्स्ट थ्री कैटेगरीज आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, राइट?
Yes, I was asking what is the difference between this? Charge is same as of expense, and expenses are always being paid out of P&L account. Appropriations is the distribution of available profit under the different heads. सारे खर्चे करने के बाद, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसमें से हम प्रॉफिट को डिफरेंट हिस्सों में बांटते हैं. वो हिस्से क्या हो सकते हैं? पार्टनर की सैलरी हो सकती है. वो हिस्सा क्या हो सकता है? पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, पार्टनर का बोनस हो सकता है, पार्टनर का कमीशन हो सकता है. सो व्हाटएवर इज बीइंग लेफ्ट आफ्टर मेकिंग दीज अप्रोप्रिएशंस दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड एज. एंड विद रिगार्ड टू दिस वी ऑलवेज प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एम आई राइट? How many charges are there throughout our syllabus? One is rent paid to a partner, and second is interest on loan, on partner's loan, and third, you know, manager's commission. अगर word लिखा है partner's commission तो appropriation है. अगर word लिखा है manager's commission तो appropriation नहीं है, charge है. So आमतौर पे बच्चे manager's commission को भूल जाते हैं. ठीक है, manager commission is also the content of P&L account. आप अपने manager को commission दे रहे हो, partner को नहीं. Had you been giving the commission to the partner, तो यहाँ पे आता. So this question, this account always gets started by net profit brought down. इस तरफ सारी appropriations आती हैं, two interest on capital, two salary. मान लो तीन partner है तो तीनों के नाम की interest on capital आ जाएगी. Two salary, मान लो एक कोई salary मिल रही है तो उसके capital account में transfer हो जाएगा. Then two commission, किसी एक को commission मिल रही है. If somebody asks from you what is the nature of this account, undoubtedly it is a nominal account. And if the credit side exceeds the debit side, there will be profit, which is to be divided in the old ratio. इस chapter में बात ही एक ratio की होगी. We never talk about the new ratio in this chapter. ठीक है? तो जो भी partners होंगे, उनकी ratio में हम divide कर देंगे. If reverse happens, like the debit side is more than the credit side, then the loss will be there. और loss की journal entry क्या होती है समय? In order to distribute the loss between three partners A and B, A, B and C, what entry you will pass? P&L appropriation में अगर loss आ रहा है तो बच्चे entry क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, A debit, B debit, C debit to P&L appropriation account, right? And had the capitals are being fixed, तो मैं capital account नहीं open करूंगी, मैं current account में transfer करूंगी. Done? So fixed and fluctuating capital is also the part of this chapter. Okay. Then right now we have discussed about three types of charges. Who will tell me the entry for rent paid to Vinod, a partner? Vinod, a partner. Vinod, meri partnership firm ka ek partner hai. Firm uski building ko use kar rahi hai aur firm usse rent pay kar rahi hai. What entry will you pass? Okay, then. पहली एंट्री होगी अभिषेक. आम तौर पे आप लोग भूल जाते हो रेंट टू कैश. नहीं, रेंट पे किया, रेंट टू कैश. अगली एंट्री आपने बिल्कुल ठीक बोली, और अगली ट्रांसफर है P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट, बिकॉज इट इज नॉट एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन, इट इज एन आइटम ऑफ चार्ज. सो दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली गोइंग टू, पहले ये एंट्री जरूर बोलो, रेंट टू कैश देन P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट. दोनों में से कोई भी पूछ सकता है. ठीक है, टू विच अकाउंट यू विल ट्रांसफर इट, तो दिस एंट्री इज करेक्ट. What entry will you pass? What you will credit? Which account you will credit when the rent is paid? Then cash account is being credited. आपके mind में होना चाहिए, और being an expense, debit all expenses, and यहाँ पे real account लगा, credit what goes out. Getting it? Similarly, rent. Rent के बाद we have interest on Shashi's loan to firm. Shashi's loan to firm. और साथ में एक line लिखी है, capitals are fixed. मोहित गावर आपने बोलना, इंटरेस्ट ऑन शशीज लोन टू फर्म, और साथ में एक लाइन 10,000 है फॉर एग्जांपल, हमने खुद कैलकुलेट किया, राइट? और साथ में एक लाइन लिखी है, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन लोन, आगे डन, आगे टू पार्टनर्स, क्या गलत? कंफ्यूज करने के लिए फिक्स्ड बोला. यस yes. इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, भाई ड्यू करना है, लोन में जाना है. जब जब ये अप्रोप्रिएशन ही नहीं है तो कैपिटल में क्यों जाएगी? ये रेंट कहीं कैपिटल में गया? अपने माइंड से हर तरह की कंफ्यूजन दूर करो. इफ द अप्रोप्रिएशंस आर देयर, देन ओनली दे विल गो ईदर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. इफ दीज आर चार्जेस, दे विल नॉट गो टू द कैपिटल अकाउंट एट ऑल, राइट? यू हैव टू मेक इट ड्यू. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू लोन. अगर पे कर दिया है तो क्या कर दो अब? सॉरी,
अगर पे कर दिया है तो लोन में ना क्रेडिट करके टू कैश लिख देते रेंट की तरह। यूजुअली वी अज्यूम कि इंटरेस्ट हैज बिकम ड्यू, तो हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, लोन में ही ऐड हो गया। अगली एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, ना ट्रांसफर एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अकाउंट। कहां पे कैपिटल है और क्यों जाएगा कैपिटल में? हियर बाय तो आई एम ट्रीटिंग माय पार्टनर एज एन आउटसाइडर एंड आई हैव टेकन द लोन फ्रॉम बैंक, तो आई विल बी पासिंग दिस एंट्री ना। तो अगर मेरे पार्टनर ने मेरी फाइनेंशियल हेल्प कर दी है तो आई विल बी ट्रीटिंग हिम एज अ आउटसाइडर। Getting it? So that's why it will never go to their capital account or current account. Mr. Sumit is the manager of the firm and for his services he get a commission 10% on turnover and turnover is 20 lakh. मतलब सेल के ऊपर उसे 10% कमीशन मिलनी है, 20 लाख का 10% कैलकुलेट किया 2 लाख आया। मैनेजर की कमीशन, सुमित की कमीशन की एंट्री क्या होगी? बिल्कुल ठीक है, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, देन पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजर्स कमीशन। ही इज माय एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर मींस ही इज माय एम्प्लॉय, आई एम गिविंग हिम कमीशन। तो जो सिंपल एंट्री हर खर्चे की करते हैं, हर एक्सपेंस की करते हैं, वही करेंगे। सो दीज आर द थ्री। बुक कहती है दो चार्जेस हैं, मैं हमेशा रेक्टिफाई करवाती हूँ, थ्री चार्जेस हैं। यू हैव टू कीप इन योर माइंड मैनेजर्स कमीशन एज वेल, बिकॉज समटाइम्स दैट कमीशन मे कंफ्यूज यू इन द पेपर, राइट? सो दिस वॉज योर टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन, आई डिस्कस विद यू रेंट पेबल, आई डिस्कस विद यू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का हाउ द अकाउंट इज टू बी। यस, यू नो समटाइम्स इन द क्वेश्चन ही राइट्स 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। व्हाट इट मींस टू जनरल रिजर्व? अपने कमाए हुए प्रॉफिट का फर्म ने डिसाइड किया कि उसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री करोगे और कैसे और किस प्रॉफिट का आप 10% निकालोगे? 10% ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दिस व्हाट द फर्म डिसाइडेड। व्हाट जर्नल एंट्री विल यू पास? पहले जर्नल एंट्री डिस्कस करते हैं, फिर मैं प्रॉफिट का सीक्वेंस बताऊंगी और यू विल टेल कौन से प्रॉफिट का। Yes, what will be the entry? पहले तो मैं एक बात बता दूं, creation of reserve is also an appropriation. Yes, it will not go to P&L account, it will go to the P&L appropriation account. P&L appropriation account debited to general reserve, that's it. Because you are keeping this amount to you only, you are not going to give it to someone in the form of cash. तो cash की कोई entry नहीं आनी, सिर्फ creation की आनी। P&L appropriation account debited to general reserve. सारी अप्रोप्रिएशंस करने के बाद, पार्टनर का इंटरेस्ट देने के बाद, सैलरी देने के बाद, पार्टनर की कमीशन देने के बाद, जो बचेगा उससे प्रॉफिट का रिजर्व निकालना। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में अगर आपको 2.5 लाख प्रॉफिट दे रखा है तो आप सीधा पहली एंट्री 10% 25,000 इसकी कर दोगे। नो वे, फर्स्टली यू विल बी मेकिंग ऑल द अप्रोप्रिएशंस, जो बचेगा उसका 10% फर्म ने डिसाइड किया है, और रिजर्व बनाने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा अगर प्रॉफिट है। कैन वी मेक रिजर्व इन केस ऑफ लॉसेस? No. Reserves are only being created in case of profits. ठीक है, मान लो किसी एक साल लॉस हो गया तो we are not in a position to create reserve in that case because reserves are always being created out of profits. Getting it? Entries clear? P&L appropriation account debited to general reserve. Yes. Four features are there of your P&L appropriation account. First, it is an extension of P&L account because अगर सोल प्रोप्राइटर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, सेकंड नंबर पे पीएनएल अकाउंट बनाता था, तो थर्ड नंबर पे अगर और एक्सटेंड करना है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता है। आमतौर पे सोल प्रोप्राइटर पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाता, ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ओनली बीइंग प्रिपेयर्ड बाय फर्म। कुछ कंपनीज भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकती है, बट नाउअडेज आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ योर कंपनीज एक्ट 2013 दे आर सपोज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो अकाउंट बनाती नहीं, वो स्टेटमेंट ऐसे बनाती है जैसे ट्रायल बैलेंस बनाया था, ठीक है। कोई डेबिट और क्रेडिट साइड उसकी नहीं होती। कंपनीज नाउअडेज दे आर प्रिपेयरिंग, थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर जब मैं करवाऊंगी यू विल कम टू नो अबाउट इट्स फॉर्मेट। दे आर नॉट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, दे नेवर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, दे नेवर कैलकुलेट जीपी, दे डायरेक्टली कैलकुलेट एनपी, और दे मेक ऑल देयर प्रॉफिट एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। Before tax operating profit और उसके बाद वो net profit निकालते हैं। So that can be the two steps in company's statement of P&L. So what I was talking about,
P and L after operation is nothing else. It is an extension of P and L account because assertion आ सकती है. P and L after operation is an extension of P and L account. Correct? Reason में क्या हो सकता है? It is being prepared after the preparation of P and L account. ठीक है ना? It is always being prepared or it is followed by या it is succeeded by P and L account. ठीक है? So both are correct and R is the correct explanation of A as well. आगे चलते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड बाय, मैंने अभी बोला इट इज ओनली बीइंग प्रिपेयर्ड बाय डैश पार्टनरशिप फर्म्स. इट इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सोल प्रोप्राइटर. इट इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज इवन. इट इज बीइंग ओनली प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स. व्हाट इट शोस, व्हाट इज इट्स रिजल्ट? पहले तो इट शोस अप्रोप्रिएशंस मेड ड्यूरिंग अ ईयर. अप्रोप्रिएशंस मींस एलोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट इनटू डिफरेंट हेड्स. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अप्रोप्रिएशंस? What are the examples of appropriations in a partnership firm? Appropriations ki example bolo. Bhogdan, interest on capital, salary paid to a partner, commission paid to a partner, bonus paid to a partner, even creation of reserves. Interest on drawing is not an appropriation, that is an income. Abhishek, income hai na? Partners ne jo paisa withdraw kiya, uske upar hum unse interest le rahe hain. Interest on capital hum partners ko de rahe hain. That's why it is an appropriation. Interest on drawing is always acha hua aapne. डिस्कस कर लिया ये. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑलवेज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट. भाई ये तो इनकम है ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स. यहां पे लिखती हूं ना मैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एम आई राइट? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कोई भी भूल के एप्रोप्रिएशन नहीं बोलेगा. दिस इज ऑलवेज आर इनकम. देन एंट्रीज इन द अकाउंट आर पास्ट गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड. एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो डीड के अकॉर्डिंग होंगी. अगर डीड नहीं है तो किसके अकॉर्डिंग होगी? As per the provisions of Indian Partnership Act 1932. Okay? So these are the features of P&L appropriation account. Then he is talking about its preparation. Yes. Ek important topic mere ko aap se discuss karna hai aur iske upar question bhi banta hai. If the appropriations are, maine bola, appropriations is are the allocation of profit under different heads. Lekin if the appropriations are more than the available profit, then what to do? Profit आपका कम है और appropriations ज्यादा है. मान लो तीन partners हैं, उनका interest on capital मैंने calculate किया. एक का आया 2 lakh, दूसरे का आया 1.50 lakh और तीसरे का आया 1 lakh. 2 और 1.5 3.5 कुल मिला के बस इतनी appropriations है, 4.5 lakh मेरा total. You know profit is only 4 lakh. How to adjust it? बिल्कुल ठीक है. द अवेलेबल प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, बट द होल सीन विल गेट चेंज्ड अगर वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानो. ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज. देन व्हाट टू डू? चार्ज का मतलब क्या है? इसे एक्सपेंस मानो. जब इसे एक्सपेंस मानो तो लॉस डिवाइड करेंगे भाई. एंट्री क्या बनेगी? और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, तब पी एंड एल अकाउंट बनेगा बिकॉज चार्जेस आर ऑलवेज बीन शोन इन द पी एंड एल अकाउंट. By net profit brought down कितना? 4 lakh. 2 interest on capital तीनों का लिख लिया. इस side का total आया 4.5 lakh. Debit side is more than the credit side. तो by loss is to be divided into their old ratio. फर्क है question की treatment में. If the interest on capital is treated as a charge, then loss can be shown. But if nothing is mentioned about the nature of interest on capital, it is always an appropriation, भाई. तो फिर he was right. 4 lakh को कौन सी ratio में divide करूं? 2 lakh is to 1 lakh 50,000 in 1 lakh. Anji, 5 4s are 5 3s are 5 2s. So this is to be divided. Ab round off nahi ho raha mera. 4 plus 3 plus 2, 4 by 9, 3 by 9 or 2 by 9 mein jitna bhi decimals mein aayega, that we will be divided. So which case I discuss with you? When appropriations are more than profit, then available profit is to be divided into the. Thereby we will not be using any new old and sacrificing and gaining. वो तो होती नहीं है chapter में, ठीक है? But in case he is saying that interest on capital is to be treated like a charge, then what to do? Then we have to prepare P&L account and we have to show the loss. तब हम लोग और loss के लिए old ratio ही use होगी. तब हम लोग कोई भी ratio नहीं निकालेंगे उनकी appropriations की. So these are the concepts. Rest of the things we will continue on Monday.